सर्वप्रथम मैं आस्था के केंद्र महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करता हूँ और अंधों को आँख देने वाले और बहरों को कान देने वाले और गूंगों को जवान देने वाले दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानीय साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि 16 महीने के अंदर आज देश की राजधानी में मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल बहोदिया जी के तत्वाधान में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए, हमारे सौभाग्य की बात है। आदरणीय गुड्डू जी, अभी आपने कहा था कि ऐसे धुरंधर नेता, मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक वरिष्ठ समाजसेवी हूँ। और जो हमारे नेता रहे वह नेता की परिभाषा को नहीं समझते कि नेता की परिभाषा क्या होती है। नेता की परिभाषा मैं आज कम शब्दों में आपको बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बोलूँगा बस। एक नेता के लिए, नेतृत्व करने के लिए अच्छी नीयत और नीति, नीयत और नीति और नेतृत्व करना बहुत जरूरी है, उसको नेता कहते हैं। ये नेता की परिभाषा है। अब मेरे सम्मानीय साथियों, यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने वैसे तो कुछ छोड़ा नहीं है, मुझे कहने लायक सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं। हमारे जो निर्देशन जो थे कलाकार जी, हमारे बीच में बैठे हैं चौधरी साहब जी, मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ, शायद मैं बाद में भूल जाऊँ, मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत आप जो भी एपिसोड में तन मन धन और गन के साथ मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत आपके साथ। अब साथियों मैं बात आगे बढ़ाता हूँ कि मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत का गठन मध्य प्रदेश के एक छोटे से ग्वालियर जिले से हुआ, समाज के हालातों को देखते हुआ। जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने बताया कि जिसको देखो वही एक विजिटिंग कार्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेके घूमता है। मैंने सोचा कि मेरे ऊपर तो नहीं कह रहे, मैं भी रख के घूम रहा हूँ। लेकिन साथियों यह बात सत्य है कि मेरी समाज में सारे के सारे नेता हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं है और ना हम कार्यकर्ता बनना चाहते। आज बाबा साहब ने हमारे सारे द्वार खोल दिए हैं, बाबा साहब ने हमारे सारे द्वार खोल दिए हैं, हम प्रगति कर सकते हैं और करते हैं और कर भी रहे हैं। 70 वर्ष की बात चल रही थी तो मैं बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हम शिक्षित नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, हम प्रगति कर रहे हैं। हमारे समाज में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, IAS IPS हैं, अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, केंद्रीय अधिकारी हैं, लेकिन नहीं है तो सिर्फ संगठित नहीं है। लेकिन मैं ऐसे उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, उन पढ़े लिखे लोगों को कहना चाहता हूँ कि कद अपना जमी से और कितना बढ़ाओगे। पुरानी माने साथियों, मेरे घर में भी अधिकारी हैं, वो जात छिपाकर नौकरी कर रहे हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो वाल्मीकि मंदिर में पूजा करने बैठ जाते हैं कि मुझे पहचानो। तो मैं उन पढ़े लिखे अधिकारी, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से कहना चाहता हूँ कि कद अपना जमी से और कितना बढ़ाओगे, और हम आसमां हैं हमें छू ना पाओगे, उतार कर फेंक दो जिसमें से ये काक से लिबास, कहीं पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, आज देखने को मिल रही है साथियों, 21वीं सदी हमारी होगी। बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन करंट की बात बोल रहा हूँ कि अभी हमारे सोनू भाई जी ने कहा था, मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली दिल वालों की है सोनू भाई, वैसे मैं ग्वालियर का व्यक्ति है लेकिन पुरानी माने दिल्ली दिल वालों की है। अगर कोई भी यहाँ देश के अंदर घटना होती है सबसे पहले दिल्ली वाले आगे आते और FIR दर्ज कराते। मैं नमन करता हूँ दिल्ली की एक्शन कमेटी को, सलमान खान को यहाँ आना पड़ेगा, सलमान खान को यहाँ आना पड़ेगा। मैं करंट की घटना बता रहा हूँ जो हमारे साथ हो रहा है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 2012 का वीडियो आप सबने देखा कि देश के अंदर भूचाल मचा हुआ है सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के विषय में।
ये बात सत्य साथियों विरोध होना भी जरूरी है। नेता हो या अभिनेता, किसी भी विशेष जाति का अपमान करने का उसको अधिकार नहीं है। इस भारतवर्ष में सबका सम्मान है, किसी का अधिकार करने का उनको अधिकार नहीं है।